कोरोना टीकाकरण के आज एक साल पूरे हो गए। अब बूस्टर डोज लगनी भी शुरू हो गई है, लेकिन झारखंड में 18 साल से ज्यादा उम्र के सिर्फ 81% को ही पहली डोज मिल पाई है। दोनों डोज में हम देश में 21वें नंबर पर हैं और ये अब तक 50.20% आबादी को ही दोनों डोज लगी है। स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया था कि 15 जनवरी तक 18 साल से ऊपर 100% टीकाकरण पूरा हो जाएगा, लेकिन लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। अफसरों का तर्क है कि राज्य की 25 लाख आबादी प्रवासी है, इसलिए 100% वैक्सीनेशन मुश्किल है। देश में टीकाकरण के एक साल पूरे हो गए हैं। झारखंड में 50% को ही टीके की दोनों डोज लग पाई हैं। और देखिए, ये लक्ष्य था कि 100% पूरा कर लिया जाएगा टीका का लक्ष्य, लेकिन टीकाकरण की धीमी रफ्तार है यहाँ। और इस पर अफसरों ने ये तर्क दिया है कि यहाँ पर राज्य की 25 लाख आबादी प्रवासी है, इसलिए 100% टीकाकरण का लक्ष्य बाधित हो रहा है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने यह कहा कि संक्रमण बढ़ने से टीकाकरण बाधित हुआ है। दोनों डोज में हम देश में 21वें नंबर पर हैं। देश में 65 करोड़ लोगों को दोनों डोज लगा है। झारखंड में 50% को ही दोनों डोज लग पाया है और दोनों डोज में हम देश में 21वें नंबर पर हैं। अब तक देश में 65 करोड़ लोगों को दोनों डोज मिल पाया है। झारखंड में 50% लोगों को ही, यानी जो दोनों डोज है वो 50% ही पूरा हो पाया है और दोनों डोज के मामलों में हम देश में 21वें नंबर पर हैं। देश में अब तक 65 करोड़ लोगों को दोनों डोज मिला है। देश में टीकाकरण के एक साल पूरे हो गए हैं। झारखंड में 50% को ही टीके की दोनों डोज लग पाई है। दोनों डोज में हम देश में 21वें नंबर पर हैं। और चलिए रुक कर लेते हैं, अपने सहयोगी अंजनी का इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंजनी, देखिए, देश में टीकाकरण के एक साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन झारखंड में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि 15 जनवरी तक दोनों डोज का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन अब तक तो हम सिर्फ 50% में ही उलझे हुए हैं। देखिए आरती, जाहिर सी बात है कि जो अभियान चलाया गया था उसमें हमें लगता है कि और जो स्पीड होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, लेकिन प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से
यदि हम कहेंगे तो वैसी उनके तरफ से कोई खामी हमें नज़र नहीं आती है, क्योंकि आप देखेंगे रांची में लगभग प्रतिदिन 87 केंद्रों पर जो है टीकाकरण अभियान चलाया जाता है, वो रविवार का दिन हो या छुट्टी का दिन हो, तमाम हर दिन टीकाकरण अभियान चलता है। तो जरूरत ये है कि जिन लोगों ने अब तक, यदि झारखंड का आंकड़ा देखेंगे तो 52% लोगों ने अब तक जो है डबल डोज लिया है, और लगभग 81 से 82% जो लोग हैं वो अभी पहली डोज उन लोगों ने ली है। और दोनों आंकड़े यदि हम पूरे राष्ट्रीय फलक पे मिलाएंगे तो झारखंड का जो स्थान है वो 21वां स्थान है। तो ये चिंता की बात है, और जिस तरह से सरकार ने लक्ष्य निर्धारित रखा था 15 जनवरी तक जो है 100% अभियान को पूरा करना था, लेकिन एक बात ये भी है कि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ा, मिनी लॉकडाउन चीजें हुई, स्कूल कॉलेज बंद हुए, तो लोगों अपने अपने घरों में रहे, लोग बाहर निकल नहीं पा रहे थे। तो हमें लगता है अब धीरे धीरे आगे जो है टीकाकरण अभियान और उसमें और तेजी आएगी। लेकिन इसमें हम सीधे तौर पे बात करेंगे तो परिवार के लोगों को का सहयोग सरकार को चाहिए, समाज के लोगों का सहयोग चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि झारखंड का जो जनसंख्या है उसमें 15+ का जो ये आंकड़े देखेंगे तो लगभग 23 लाख आंकड़े हैं, और पूरे ये में देखेंगे तो अब तक जो है लगभग 3 करोड़ लोगों ने टीका लिया है। लेकिन जो समीकरण बैठता है कि डबल डोज कितने लोगों ने लिया है, तो वहाँ हम कहीं ना कहीं पीछे हो जा रहे हैं। तो तमाम लोगों को आगे आना होगा, जिस तरह से परसों का दिन था और जैन समाज के द्वारा जो है टीकाकरण केंद्र दिगंबर जैन भवन में लगाया गया था, तो अब ये जरूरत है समाज के हर तबके के लोगों को, अलग अलग जो समाज का संगठन है उन्हें अब सरकार के साथ आगे आकर। लेकिन देखिए अंजनी, अंजनी देखिए 50% पर ही हम अटके हुए हैं। आप देखिए कि ये लक्ष्य 100% का अगर था, हम देश में 21वें नंबर पर हैं दोनों डोज के मामले में, और अगर जब अधिकारियों से ये बात आप पूछिए तो उनका ये तर्क है कि 25% आबादी जो है वो प्रवासी है, इसलिए नहीं हो पा रहा। स्वास्थ्य मंत्री ने तो ये कहा कि संक्रमण बढ़ रही है, वो वजह रही, वजह चाहे जिस जो भी रही हो, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन, उसका एग्जीक्यूशन, अगर आप कोई फॉर्मेट बनाए हैं उसका एग्जीक्यूशन कितने बेहतर तरीके से, अगर हम उसके आसपास भी होते तो एक कह सकते हैं कि हम एक अच्छे अच्छा स्कोर कर सकते थे इसमें। 21वें नंबर पर तो कम से कम नहीं रहते। आप देखिए कि सिर्फ 50%, एटलीस्ट अगर हम 70-80% भी होते तो हम ये कह सकते थे कि एक अच्छी कोशिश हुई है, चाहे वो प्रशासन की तरफ से हो या फिर आम लोगों की तरफ से हुई हो। देखिए, मैं इसमें हम यदि पूरे आंकड़े पे बात करेंगे तो एक चीज साफ निकल कर ये जरूर आती है, आती और लोगों में कहीं ना कहीं घरों से निकल कर टीकाकरण केंद्र तक आने में लोग परहेज कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो टीका पहली डोज उन्होंने ली है लेकिन दूसरी डोज लेने के लिए कई तरह की कहानियां बनाते हैं, अरे बाद में लेंगे, क्या होगा। तो ऐसे लोगों को मोटिवेट कौन करेगा? वैसे लोगों को मोटिवेट घर के लोग करेंगे, वैसे लोगों का मोटिवेट समाज के लोग करेंगे। तो अलग अलग जो समाज के लोग हैं अब उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। आरती देखिए, सरकार के तरफ से प्रयास हो रहे हैं, रांची ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को मिलाकर देखेंगे तो लगभग 87 टीकाकरण केंद्र काम कर रहे हैं, जिसमें 15+ से ऊपर का है, 18+ से ऑनवर्ड्स है, उसके बाद आपको बूस्टर डोज भी चलाया जा रहा है। तो आप समझिए 87 केंद्र बने हैं, तो ये हमारी लापरवाही है कि हम दूसरी डोज क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अब जो है इफ एंड बट में रहने की जरूरत नहीं है। ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है और आंकड़े ये बताते हैं जिन लोगों ने डबल डोज ली है उन्हें बहुत परेशानी होने वाली नहीं है। तो हमें लगता है कि अब तमाम लोग जो न्यूज 11 देख रहे हैं, वैसे तमाम लोगों से अपील है कि यदि आपने दूसरी डोज नहीं ली है आप जरूर जाएं। आप बिल्कुल, हर कोई के घर के नजदीक टीकाकरण केंद्र है, आप समझिए 87 केंद्र है। अब ये भी समस्या नहीं है कि आप पहले से ऑनलाइन बुकिंग करें तब जाएं, ऐसे सेंटर्स हैं आप आधार कार्ड लेकर जाएं और कब आपने टीका लिया है उसका डेट और कागज दिखाएंगे तो आपको तुरंत टीका मिलेगा।
किसी भी तरह की भ्रांति में ना रहें, क्योंकि ओमिक्रॉन जो है यदि घातक होगा तो बहुत मुश्किल होगा। तो अब वक्त 52% को 100% में बदलने का। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी होगी क्योंकि लोगों की सहभागिता भी इसमें बहुत मायने रखती है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका अंजनी। तो झारखंड में दोनों डोज का लक्ष्य अब तक महज 50% ही पूरा हो पाया है और हम देश में 21वें नंबर पर हैं, यानी झारखंड 21वें नंबर पर है। टीकाकरण की रफ्तार कितनी धीमी है इससे ये समझा जा सकता है। आपको बता दें कि आज टीकाकरण के 1 साल पूरे हो चुके हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।